చేసుకురా. అదే बहुत मजा आया. तो ये चने आ गए. ओ खैर ये हो ये चीज कमाल माशाल्लाह. ये चीज यार बहुत आला यार कमाल. स्विट्जरलैंड में राजगढ़ से आए हैं. एक जैसा मसाला है बिल्कुल. मतलब ऐसा नहीं है बाहर नमक तेज है अंदर नमक कम है. बिल्कुल एक जैसा मसाला लगा बहुत आला यार मछली. उए उए ये देखो वाह यार जबरदस्त कमाल. लो जी ये सोनल वाइन का ये भी ट्राई कर लेते हैं. ये देखो तेरे को खान लगता जैसे अचारी नान टाइप लग रहा है. और वाकई ऐसे लग रहा है जैसे बंदा कीमे वाला नान नहीं खा रहा था. वाकई हाँ. और मैं छाड़ रहे हैं नहीं यार परे हो यार. दिस इज गांव प्रिंट ऑफ कसूर. मैंने रसों की दुकान लगा ली है दुख में. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. मैं दुकान पर बैठ रहा हूँ. वेलकम टू कसूर. लाहौर के साथ वाकई एक छोटा सा शहर. तो शहर तो छोटा है लेकिन जिला बहुत बड़ा है. मकदा ही नहीं गांव ही गांव है इसके अंदर. मशहूर पंजाबी सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी यहीं पे है. पूरे पाकिस्तान में कसूर की मछली कसूर के अदरसे और फलूदा मशहूर है. फिलहाल यहाँ से नाश्ते करते हैं ढूंढते हैं यहाँ पे क्या मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन. इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के अंदर और यहाँ पे कोर्ट आजम खान दरवाजे के बाहर मैं मौजूद हूँ. और मेरे यहाँ बैक साइड पे है हाजी बिल्ला मक्खन चने वाला. इनसे मक्खन चने ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद हम यहाँ से थ्री पार्ट ट्राई करेंगे. जो जो मिल गया जाते जाएंगे चेक करते जाएंगे खाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह. और आज ये वीडियो मेरे साथ है निकी खाला का निका मुंडा. आप सबका प्यारा और मुझे बहुत प्यारा लगता है बिलाल. अस्सलामुअलैकुम. चल पीछे जा. और ये भाई हसन भाई हैं. हसन भाई ने यहाँ पे हमारे गाइड कसूर के अंदर जो हमें गाइड कर रहे हैं हसन भाई. हसन भाई का इंट्रो थोड़ा सा आप क्या करते हैं. मैं डॉक्टर. यार थोड़ा दूर ही रहे मुझे डर लगता है. मुझे डॉक्टर डर लगता है. तो ओके जी अभी हम जो है हाजी बिल्ला मक्खन चने मेरी बैक साइड पे इसे हम जो है चने ट्राई करेंगे. इनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है चनों का. लाहौर वाला स्टाइल नहीं है इनके. इनमें ये होता है कि ये चनों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा मक्खन डालते हैं. मतलब जिस तरह तड़का लगाते हैं ना ये ऊपर मक्खन डाल के देते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है. ये शॉप है जी इनकी हाजी बिल्ला चने वाला. और ये पूरा बाज़ार जो है ना ये सारा यहाँ पे नाश्ते चल रहे हैं. ये बिल्कुल साथ ये कुजी हलीम वाले बैठे हुए हैं. ये रोटियाँ लग रही हैं और यहाँ पे भी नाश्ते चल रहे हैं. वो आगे भी दही है वो भी चने वाला बैठा हुआ है. पूरी जो स्ट्रीट है ना ये सारी इस टाइम नाश्तों से भरी हुई है. मतलब यहाँ पर हर जगह नाश्ते चल रहे हैं. अभी हम जाते हैं इनके पास. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है ठीक ठाक है क्या. शुक्र अल्लाह. आपका नाम क्या. मोहम्मद शहजाद है. मोहम्मद शहजाद कौन है वो माशाल्लाह हाजी बिल्ला चने वाले के नाम से. अच्छा ये हाजी बिल्ला कौन है. ये मेरे वाले साहब. वाले साहब माशाल्लाह 40-45 साल से ना. अच्छा 40-45 साल से काम कर रहे हैं. क्या आपके पास है. हमारे पास जो है ना स्पेशल मक्खन कोफ्ता है. मक्खन कोफ्ता. हाँ जी मक्खन कोफ्ता. ये मक्खन कोफ्ता मतलब कोफ्ता होता है साथ में मक्खन होता है. मक्खन चने माशाल्लाह फेमस है. अच्छा वो माशाल्लाह. अच्छा चने फार्मी है ये. देसी चना नहीं है ना. देसी चना नहीं है ये बाहर से चने आते हैं कनाडा के चने हैं. कनाडा के चने जी. ये क्या चक्कर है. ये बाहर के तकरीबन टोटल जो है बाहर के चने आते हैं. इधर जो होते हैं ना लोकल चने वो मियां वाली के होते हैं चने. हाँ हाँ वो नहीं है. ये वो नहीं है. ये अच्छा बाहर के चने हैं. अच्छा ये चाटी का मक्खन है ताज़ा. हाँ जी इसका सादा लस्सी होती है चाटी की. लस्सी भी है आपके पास. लस्सी भी अपनी है चाटी की. मतलब पूरा सीन आपने रखा हुआ है. सही माशाल्लाह. ठीक है ठीक है. ये पाए भी हैं. सही सही माशाल्लाह.
ये मक्खन चने लगाने लगे हैं जी, मक्खन चने लगाने लगे। अच्छा मक्खन आप डाल के इसमें, ओ वाह यार आई लाइक दिस, मक्खन इस तरह पिघल जाएगा ठीक है, और ये मक्खन डलेगा, ओ कमाल माशाल्लाह। ओहो ये कितने का है? 40 रुपए का, सही हो गया। वाह जी वाह कमाल, ठीक हो गया। ये भाई ने बनाया ये तंदूरी पराठा, इसके ऊपर आप मक्खन लगाएंगे आप, माशाल्लाह। अच्छा ये मक्खन चने नहीं है, ये मक्खन ही सब कुछ है यहाँ पे जी, मक्खन ही हर जगह ये यार, माशाल्लाह मक्खन ये मक्खन नाम इसी वजह से कि मक्खन डालते हैं हर चीज़ में आप, इस वजह से डाल देते हैं मक्खन। सही हो गया ये माशाल्लाह, तंदूरी पराठा हमारा रेडी है। ना स्पेशल दूध अंडा दही डाल के ना ये बनाते हैं। अच्छा ये मिल्की नान आपका, सही हो गया माशाल्लाह, ठीक है नान बड़े, ओ माशाल्लाह बड़े स्पेशल नान आ रही है, सही है। धनिया आ गया, ये आ गए जी हमारे चने स्पेशल वाले, कोफ्ता, ये कोफ्ता, कोफ्ता चिकन का है? नहीं बीफ का है। बीफ का कोफ्ता है, वाह बीफ है, खुद बनाते हैं ये, ठीक हो गया। एक मिलते हैं बने बनाए वो नहीं लेते, सही है खुद बनाते हैं। अब ये मक्खन डालते हैं, ये हो ये चीज़ कमाल माशाल्लाह, ये चीज़ यार बहुत आला। अली क्या कर रहा है? आ गया बात ए भी नहीं बज दी वीडियो, टेबल से थलवाड़ा पैदा। लो जी हमारे सामने जाना, ये देखो ये अंडा चने सादे चने हैं ठीक है, और ये जो है ना इन्होंने लाल बोटी, हमने इनसे कहा नहीं था, इन्होंने मोहब्बत में, ये मोहब्बतें बड़ी समेटर है भाई, ये मोहब्बत में जो है ना मक्खन डाल दिया लाल बोटी के ऊपर उन्होंने, और ये जो असल चीज़ जो ट्राई करने हम आए हैं ये है, ये मक्खन चने, ये जो घी है और मक्खन है साथ मिक्स हो गया इसके अंदर, ये मक्खन चने हैं, और ये इनका मिल्की नान है ठीक है, ये देखो ये मिल्की नान, और ये इनका तंदूरी पराठा है जो बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, मिल्की नान नहीं पहले तंदूरी पराठा, ये देखो नॉर्मल स्टाइल नहीं जा रहा भाई साहब, और साथ ही इसके अंदर मक्खन भी है शामिल है सब कुछ, बिस्मिल्लाह। गुड, चनों का अपना फ्लेवर बड़ा कमाल है, काली मिर्च का टच है, फार्मी चने हैं ये, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है ना वो जो मक्खन ऊपर से डाला ना उन्होंने, वो सारे पैसे सारा जो टेस्ट है ना उस मक्खन का, और ये जो नान तंदूरी पराठा इन्होंने तैयार किया ख़ास तौर पर, ये बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ना बड़ी एक वो मिल्की सी फील आ रही है, घी क्योंकि इन्होंने इसके अंदर घी डाल के उसको तैयार किया है, तो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है, ज़बरदस्त है जी, सूर में आके ऐसे चने मिल जाए मेरा नहीं ख्याल मिल रहे हैं भाई, क्या ख्याल नहीं तुम्हारा, बहुत अच्छे चने नहीं यार ये अच्छे चने हैं। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट, यहाँ से हम जो है ना ये तंदूरी पराठा लेंगे ठीक है, इसके ऊपर हम लगाते हैं थोड़े से चने, और साथ में आ जाएगा कोफ्ता, ये चने और कोफ्ता आ गया, और बिलाल जैसे कि बिलाल ने कहा कि इसके ऊपर मक्खन थोड़ा और मज़ीद लगा लेते हैं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन आएगा ऐसे करके, ये मक्खन आ गया, और इसके ऊपर हम बढ़ाएंगे रायते की नहरें ऐसे करके, ये लो दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ हाजी बिल्ला मक्खन चने, चाटी वाला मक्खन है, ये आम मक्खन नहीं है, जो आमतौर पर मक्खन मिलता है वो नहीं, थोड़ा खट्टा खट्टा जो मक्खन होता है चाटी वाला मक्खन, ये वो मक्खन है, और इस मक्खन की वजह से चनों का सारा फ्लेवर ही चेंज हो गया। अच्छा जी ये बेकरी भी है जी, अरे दूर से ऐसे लग रहा है तस्वीरें लगाई हुई हैं आपने, ये दूर से मैं देख रहा था ऐसे लग रहा है तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये स्पेशल बाकर खानी है तंदूरी बाकर खानी, अच्छी सामने लगती हैं तंदूर में, ठीक है ठीक है सही है माशाल्लाह। ये जी किंग बेकरी के नाम से इनका सेटअप है, प्रोडक्ट बाय हाजी बिल्ला चने वाला, इन्हीं का काम है ये, अच्छा इन्हीं की बिक्री है माशाल्लाह, सही है सही है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, फैमिली हॉल भी है इनके साथ, आप फैमिली भी इंजॉय कर सकते हैं, ये इनका सेटअप है, ये पीछे तंदूर लगा हुआ है, इधर से ताज़ा नान बन के आ रहे हैं, यहाँ चने मिल रहे हैं, ये सामने इनका फैमिली हॉल है, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये सामने इनकी बेकरी भी है। अच्छा जी हमने हाजी बिल्ले के मक्खन चने ट्राई कर लिए, चने बहुत कमाल के थे, उसमें अच्छी जो चीज़ सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो उसका मक्खन था, मक्खन की वजह से सारा टेस्ट था, सारे पैसे मक्खन के थे। अभी हम आ गए साईं बूटी के पास,
यहाँ पे इनकी सिरी पाए होते हैं, इनके पास मगज़ होता है। अगर आप इनका मगज़ काफ़ी फेमस है, सुना है कि इस पूरे इलाके के अंदर सबसे पुरानी शॉप ये है साईं बूटी की। इनसे हम इनका मगज़ ट्राई करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से लस्सी और फिर एक हलवा ट्राई करेंगे। तो अभी साईं बूटी के पास चलते हैं। अच्छा यहाँ पे यार ये जो बाज़ार है ना, नया बाज़ार दरवाज़ा नेशनल बैंक चौक वाली साइड है, ये पूरा बाज़ार है। यहाँ पे भी नाश्ते की देंगे, जूसरी दुकान है, ये भी नाश्ता लगा हुआ है। यहाँ पे ये भी नाश्ता चल रहा है भाई का, ये अब्दुल्ला चस्का हाउस के नाम से इनका है, ये भी नाश्ता चल रहा है। ये रहमानिया चस्का पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ले आपकी तस्वीर मैंने आपको पूरे ले आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, आपने भी सिरी पाए लगाए हुए? बकरे के सिर की पाए। नहीं दसो। हाँ जी बताए। मैंने आपको देखा यूट्यूब पे। अच्छा, और आप लाहौर कौन सी भी जगह जाते ना तो आप बताते हो, मैं पुराने रेस्टोरेंट से आया हूँ। आप वहाँ पहुँच जाते हो? नहीं, मैं आपको देखा हुआ ना, मैं उधर गया हुआ हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कहा मेरी तस्वीर आनी चाहिए, मैं आपकी दुकान भी दिखा रहे थे माशा। ये क्या सिरी पाए का शोरबा? माशाल्लाह, ये भी इधर भी सीरी पाए चल रहे हैं। ये ऊपर मगज़ रखा हुआ है आपने, और ये पाए खद और ज़बान, ठीक हो गया। और वो चने हैं, ये कितने किलो चने बनते हैं इसके अंदर? ये भैया कितने किलो चने बनाते हैं आप? 8-10 किलो। 8-10 किलो बदीरा। हाँ जी, मकान बड़ा रखे है। सही है, सही हो गया। मतलब पूरा बंदा घूम सकता है इस पतीले के अंदर, है ना? दो बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर, चार बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर। और खाना सिर्फ 8 किलो चने, 8 किलो 10-12 किलो। चले अल्लाह मजीद बरकत दे आपके काम में। चले चले जी, बहुत शुक्रिया। ये जी इनका सेटअप है, ये इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भैया? क्या नाम है आपका? मलिक गुफरान। गुफरान, अच्छा ये आपको क्या लगते थे? मेरे दादाजी। दादाजी थे, क्या नाम क्या था इनका? साईं मोहम्मद बूटा अलमरूफ साईं लालू। निकनेम तीन बने हुए हैं, साईं बूटा, साईं लालू, साईं बूटी। अच्छा, तीन निकनेम है। असल नाम मोहम्मद परवेज था। तो क्या क्या होता है आपके पास? मैं बता रहा हूँ सबको, ज़रा पता लग जाएगा। मोहम्मद परवेज नाम था इनका। अभी आपके पास क्या क्या होता है वैसे? हमारे होते हैं मटन के पाए होते हैं, मटन पाए होते हैं, पाए चिली पाए होते हैं, और चने होते हैं, अंडा चने, मुर्गी चने। अच्छा, चने। अच्छा सही, ठीक हो गया। अच्छा ये आपके चने हैं, ये खोए वाले चने हैं या काली मिर्च वाले हैं? हाँ जी, खोए वाले हैं, काली मिर्च वाले, काली मिर्च वाले, काली मिर्च वाले चने हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पीछे के पाए हैं? ये हमारे पाए हैं। अच्छा ये सामान, ये पाया आपको? ये जी पाया है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें चने भी डालते हैं, ठीक हो गया। चने आ गए, और ये आ गया पाए का शोरबा, ये आ गया धनिया, धनिया मिर्चें, मसाला भी डाला उसमें, सही है। लो जी हमारे सामने नान आ गया, ठीक है ये चेक करो ना, नान माशाल्लाह बड़ा कमाल है यार। ये देखो ये नान है, इसको हम ट्राई करते हैं साथ ही। हमारे साथ मगज़ आ गया ये वाला, ये मगज़ इन्होंने हमें स्पेशल बना के दिया। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, लाहौर में या बाकी शहरों में जहाँ पे मगज़ खाया जाता है, वहाँ पे ये करते हैं कि मगज़ की साइड से ना छोटी सी हड्डी होती है, वो हड्डी तोड़ते हैं, उसके बाद मगज़ झाड़ देते हैं। यहाँ पे भाई इन्होंने टोका रखा हुआ है, मगज़ बीच में खोपड़ी पाड़ रहे मैंने पाए। वही ठहरे, वही अनक लगाया, वही अंदर बैठा तो अपनी पेंडू आदमी। ये खाना भी देते हैं यहाँ पे, बंदे को ऐसे टोका मार के डराते भी हैं। आओ आ जाके अंदर आओ, लेट ट्राई कर लेते हैं। ये मगज़ आए हैं, बिस्मिल्ला। ओ जी आ गया मगज, ये देख, ये देखो मगज, बिस्मिल्ला। ओए वेरी गुड, यस यार बहुत कमाल का मगज है। सबसे अच्छी बात ये है, हिंदू में जाके टेस्ट छोड़ दिया इसने, लेकिन गया किधर ये नहीं पता लगा मुझे। नहीं लभ्या ना, किधर गया? जबरदस्त, इट्स वेरी गुड। मतलब मुझे अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि कसूर में नाश्ते अच्छे नहीं मिलते, कसूर नाश्तों की वजह से फेमस नहीं है, यहाँ पे नाश्ते का ट्रेंड नहीं है। लेकिन भाई
ये मगज अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मगज, लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शन मुझे नज़र आई हैं यहाँ पे, उस लिहाज से दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देखी है, यहाँ पे पाए भी पड़े हैं, सेल कर रहे हैं पाए भी, सेल कर रहे हैं मगज भी, सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर सिर्फ मगज के आ रहे हैं और मगज ही के ऑर्डर आ रहे हैं। पाए एक तो इक्का दुक्का कोई एक आधा पाया आ गया होगा, तो अगर आप कसूर में हैं और नाश्ता अच्छा करना चाह रहे हैं, साई बूटी से मगज ट्राई कर सकते हैं आप। ये लो, अच्छा है यार, यहाँ से हमने अमरूद खा लिया, नहीं अमरूद नहीं यार, मगज़ खा लिया है और आ रहे और अभी यार बड़ा कमाल का मगज़ था। सबसे अच्छी जो बात मुझे मगज़ की लगी है ना, वो ये थी कि मगज़ में से स्मेल नहीं आ रही। वो यार तू आयरन ला के आए ना, ओ मेरी गास, ओ सामने देख रहे, ओ सामने उसे जाकर भैया सिर्फ तू आँखा खोल कर आए बैठा, बस लगता नहीं मैं 18 साल मगज की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है ना, वो ये है कि उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी और मगज का अपना फ्लेवर आ रहा था, शोरबे के अंदर बहुत ज्यादा मसाले नहीं थे, ये अच्छी चीज है। इसमें ये भी बात हो सकती है कि वो जो हथौड़ी मार के खोल रहे हैं ना, वो यार उन्होंने खोपड़ी खोल दिया, मतलब पूरा ही खोल देते हैं, वो मगज मगज फाड़ दिया पकड़ के उन्होंने। अभी जो है ना यहाँ से ये एक हम यहाँ पे हलवा ट्राई करने आए हैं, दरवाज़ा है इसका, मैं आपको नाम बताता हूँ कौन सा दरवाज़ा, नया बाजार दरवाज़ा है मेरी बैक साइड पर, यहाँ पे मुनव्वर स्वीट है ना, मुनव्वर स्वीट है जी ये, इनसे जो है ना हम हलवा ट्राई करेंगे, इनका स्पेशल हलवा देसी घी वाला। ये हसन भाई ने बताया, क्या बता रहे हैं आप इनके हलवे का? ये देसी घी का हलवा होता है, बड़ा फिट है, तो वो अभी बता रहे हैं कि आज मिल गया, वैसे इस टाइम मिलता नहीं होता है, ये आपकी किस्मत है मिल गया आपको। आज मेरी किस्मत ख़राब चल रही है भाई, ना पूछो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? ये क्या हलवा किस तरह है, ये कितना किलो है? 260 रुपये किलो है, 50 रुपये का दे, 50 रुपये का। ये बड़ा कंसिस्टेंट है यार, ये बड़ा, ये देखो ये देसी घी में बना हुआ है, आम घी में बना हुआ है, खोए वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए डिफरेंट होगा ज़रा। जो जी ये हलवा है इसको ट्राई कर लेते हैं, ये हसन भाई के कहने पे आया हूँ मैं यहाँ पे। ये चंगा ना निकले यार, किस चीज़ के, किस चीज़ के यार 50, नहीं और से दाब दो, अगर अच्छा ना निकला आप इधर ही रुक जाओगे फिर, डन चलो ऐसा। हाँ बहुत मजा आया, इतना प्यार बढ़ गया, ये कदर मजा मुझे आता है। टाइमिंग ठीक थी यार, बहुत आला हलवा यार, तो ये यकीन कर बड़ा मजा हलवा, बच गए आप। इसमें जो खोया डाला है ना उन्होंने, खोए खोए यार बहुत आला यार, कमाल, खोए की वजह से बड़ा मजे का हलवा, ऐनक ला के शुरू करता है, वाकई वाकई बहुत है। जैन में बात आ रहा हूँ, कसूर की मछली फेमस है, कसूर के अंदर से फेमस है मुनव्वर स्वीट का हलवा, आज से ये भी फेमस यार, कमाल हलवा भाई देखने में। और कोई देसी घी में नहीं बना हुआ, देसी घी में नहीं बना हुआ, कोई देसी घी नहीं है, सिंपल ऑयल में, सिंपल घी में इसको बनाया उन्होंने, लेकिन खोए के साथ बनाया हुआ, इतनी कमाल चीज़ है ना देखने में, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लग ही नहीं रही है। और अक्सर ऐसे होता है कि हम जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बहुत फेमस जगहों पर जाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन छोटी सी दुकान से, छोटे से पॉइंट से ऐसा टेस्ट मिल जाता है कि उस पूरे शहर की यादें उसके साथ जुड़ जाती हैं। कसूर की यादों में ये हलवा शामिल हो गया भाई, बस अंदाज़ा भी नहीं था इतनी छोटी जगह इतनी कमाल चीज़ मिलेगी। अभी हम लस्सी पिएंगे इंशाल्लाह, लस्सी पी के वीडियो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये हलवा खा के जो ना हम वापस आ गए इस तरफ, ये बिल्कुल साथ ही है, ये साथ है, ये साईं बूटी सिरी पाए वाले उनके बिल्कुल साथ जो है ये बिल्ला लस्सी वाला, ये बिल्ला जी, आप बिल्ला हैं, आपका नाम है बिल्ला, माशाल्लाह ये बिल्ला जी बैठे हुए हैं, हमें लस्सी बना कर पिलाएंगे इंशाल्लाह। असल नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद असलम साहब उर्फ बिल्ला, ठीक है बिल्ला, आपकी आँखों की वजह से बिल्ला कहते हैं, माशाल्लाह बड़े खास। अच्छा जेदा, वैसे बिल्ला लस्सी वाला नहीं, जवेद नाम है, जवेद से जेदा, हाँ सही सही ठीक हो गया। लो जी ये लस्सी बन रही है। अच्छा वैसे ये जो ये बर्तन होता है इसको क्या बोलते हैं? तमालू, तमालू, तमालू। और ये मधानी तमालू में आप लस्सी, लो जी तमालू के अंदर मधानी चल रही है, लस्सी बन रही है। ये तमालू जो होता है इसके अंदर कितने किलो दूध आता है, कितने वजन कितना आता है इसके अंदर पानी का? 8 लस्सियाँ बन जाती हैं, सही हो गया ये पार्टीशन के पहले। अच्छा ये पेड़ा डालेंगे आप इसके अंदर? डाल देंगे, ये पेड़े वाली लस्सी बना देंगे आप हमें? कैसे बनाएंगे? ये सादा ऊपर पेड़ा चूर देंगे आप हमें? ठीक है, ये कितने का पेड़ा वैसे?
दस रुपीज का? अच्छा 10 रुपीज में दस रुपए का, ठीक हो गया। ये हमारे साथ बाहर से आए हुए हैं भाई। हाँ जी, ये मुल्क नहीं है, शहर से बाहर से आए। ये स्विट्जरलैंड में राजगढ़ से आए हुए। ये हमारी लस्सियाँ रेडी हो गई। खाई मलाई? हाँ, किसने खाई मलाई? अच्छा, यो बहुत हैवी होगी भाई। कितनी पुरानी दुकान है ये? पार्टीशन से पहले की है। पार्टीशन से पहले की दुकान है ये? मेरे वाले साहब। आपके वाले साहब? बिल्ला पकड़ ले, लस्सी पकड़ ले। अच्छा अच्छा अच्छा, साठ साल तो मेरी उम्र हो। ओ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा। वैसे आपसे बात नहीं, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। खुश मिजाज इंसान है माशाल्लाह यार, कमाल माशाल्लाह। हुए हुए यार, ये पता क्या हुआ, दही मशरक में जा रहा, पेड़ा मगरब में जा रहा। वेरी गुड। दही खट्टा खट्टा, दो बार मलाई है खट्टी खट्टी, और जो पेड़ा है वो मीठा, नीचे से जो लस्सी की झाग आई है ना वो मिक्स थी, मतलब मीठी खट्टी, क्योंकि उसमें चीनी डली हुई है। ये इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले, मतलब पार्टीशन से पहले की दुकान है, और इनके वालिद साहब का ये काम था, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी सेम टेस्ट इंडिया में भी मौजूद होगा, सेम टेस्ट पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो अगर आप इंडिया में मौजूद हैं, ये लस्सी वहाँ पे मिल रही है, तो वी आर हैविंग द सेम टेस्ट एट सेम टाइम। अभी हम जा रहे हैं शिकार नान खाने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको इंशाल्लाह कसूर की जो फेमस मछली है वो खिलाएंगे, दिखाएंगे, खिलाएंगे, और साथ में अंदर से खिलाएंगे, कसूरी फलूदा खाएंगे इंशाल्लाह, और एक और चीज़ है जो कि हिडन जेम है, शिकार नान। कसूर के मुजाफात के अंदर एक जगह है, कौन सा नाम है, भेड़िया गांव के नाम से जगह है, यहाँ पे शिकार नान मिलता है। बेसन वाला नान होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल से बना होता है, जैसे ये। ओह, तू छड़ रहे थे पीछे यार, क्या जी बदतमीज लोग हैं। तो अभी हम आपको शिकार नान खिलाने लेके जा रहे हैं। एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। ये जी फिरोजपुर रोड आ रहा है ये लाहौर से, और ये आगे जा रहा है गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ। ये जब आप इस पर आगे आएंगे तो एक सड़क, ये पक्की सड़क अंदर आ रही है, ये जा रहा है भेड़िया गांव की तरफ। इसकी निशानी ये है कि ये कॉर्नर पे मारूफ मेडिकल स्टोर है। इसके अंदर सीधा आप जाएंगे तो आगे जाके वो जगह आएगी। ये जी इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भेड़िया कला, ये दरिया है या नहर है जो भी है, और ये बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये और ये इंडिया है। मतलब हम यहाँ से इतनी दूर हैं इंडिया से, बट वी कांट गो टू इंडिया। तो जी अभी हम आ गए हैं शिकार नान पे। बिल्कुल ये मेरे पीछे जो है रेड कलर की बिल्डिंग है, ये नज़र आ रही है मेरे पीछे, माहौल देखो, ये गांव का माहौल है, सेम प्योर गांव है ये। ये देखो ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे फुल, मतलब गांव भेड़िया कलां गांव का नाम है, ये गांव है, और गांव के अंदर की सेटअप लगा के बैठे हुए हैं। अब इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, क्या नाम जी आपका? सनाउल्ला साहब, माशाल्लाह। सनाउल साहब कितना पुराना ये चला रहे हैं आप काम, ये वाला 18-20 साल हो गए माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। सिस्टम बड़ा साफ़ सुथरा इनका, ये देखो, ये इसमें जो है मिक्सर है बेसन का, और यहाँ पे फ्राई होगा। इसको शिकार नान क्यों कहते हैं? नान मतलब सब्जियों का, सब्जियों का शिकार का ही आएगा। शिकार क्या होता है? अच्छा, इसमें आएगा। अच्छा, यानी अगर जो परिंदों का शिकार करके हम खाते हैं वो आप सब्जियों के साथ वो टेस्ट बना रहे हैं, वो माशाल्लाह। दरमियान में इन्होंने देगची रखी हुई है, इसके अंदर इन्होंने मिक्सर है इनका, और ये छोटे साइज का नान है, इसके ऊपर ये लगा रहे हैं इसको। जब बैक साइड पे लगाया मसाला सारा, अगर कोई बंदा यहाँ नहीं आ सकता और वो खाना चाह रहा तो क्या करेगा वो? नहीं, वो इंशाल्लाह उसको इधर ही आएगा। ठीक है जी, ये शिकार नान रेडी हो गए, अब इसको चेक कर लेते हैं पता। यहाँ पे आ गए हम इंडिया के जो के पास आ गए, तो वो वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं कि ये देखो
ये सब्जियों के साथ उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है कि आप इसको खाएंगे तो आपको गोश्त का टेस्ट आएगा। मेरे पीछे आपको बेंच नज़र आ रहे हैं सारे, यहाँ पे सारे बेंच फुल होते हैं सिर्फ स्नान को खाने के लिए। टोकन चलते हैं यहाँ पे जुम्मे वाले दिन, टोकन चलते हैं भाई टोकन, उसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। पहले सिंपल खाते हैं फिर रायते खा चेक करेंगे। क्या हुआ कैसे यार, अचारी अचारी फील है इसकी। उफ, दालें सब्जियां आलू टमाटर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला होगा इसके अंदर, और यार इतना कमाल टेस्ट आ रहा है इसका, जैसे अचारी नान टाइप लग रहा है। और वाकई ऐसे लग रहा है इससे बंदा कीमा नान ही खा रहा था वाकई। हाँ और मैं छाट रहे हैं नहीं यार, यार बहुत आ रहा है यार, इसको रहते हैं ट्राई कर लेते हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेज टेस्ट, प्योर वेज टेस्ट, कमाल बहुत आला। और यहाँ चार और मंगाओ। साकिब भाई ने थोड़े दिन पहले कहा था मैंने वो शिकार नान खाने, हाँ जिसका मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा आपको ओरिजिनल वाले शिकार नान। हाँ ये ओरिजिनल वाला, ये बताएं है कैसे? ओए मैं बता आधे घंटे में बता कर रहा हूँ, कीमे वाला वेजिटेबल नान 10 out of 10 माशाल्लाह 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 बहुत कमाल चीज़ है। अगर आपने ये नहीं खाया ना तो भाई इधर आके खा लो इसको। ये देखो गांव का माहौल चेक करो पीछे ज़रा। ओ भाई तो अभी इसमें सबसे मज़े की बात एक जो मुझे ये लगी है कि लाइट है, इतना लाइट है। हम बैठे बैठे चार, हम कितने नान खा गए? 6 नान तो खा गए हम 6 नान खा गए, मतलब एक बंदा तकरीबन 1.5 नान खा गया पर पता भी नहीं चला, मतलब अभी भी पेट में जगह है क्योंकि हमने मछली भी खानी है फलूदा भी खाना है इधर से भी करेंगे इंशाल्लाह। तो छोटे साइज़ का नान है, बिल्कुल छोटे साइज़ का, आप इसको खाने के 70 रुपये का ही नान है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह शहर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं फलूदा या अदर से जो भी पहले मिलेगा वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ठंड ख़त्म हो गई है वरना इसको ठंड लग जाएगी अगर इसको, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो ये आपके ज़िम्मे हो जाएगा। अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं, हमने मगरिब वहाँ से हम शिकार नान खा के आ गए थे, यहाँ से अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम जा रहे हैं गुलामुद्दीन के पास अंदरसे ट्राई अंदरसे खाने, क्योंकि जो सबसे पुरानी शॉप है अंदरसों की वो गुलामुद्दीन की है। कितनी पुरानी शॉप है उनको पता होगा ना, उनकी शॉप इसको कहाँ पता होगा। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं ताहिर स्वीट्स पे, कोट बदरुद्दीन का ये एरिया है, अंदरून का इलाका है सारा। यहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है जो कसूर के अंदर से मशहूर है वो ताहिर स्वीट्स से मशहूर है। अभी इनके पास चलते हैं इनसे अंदर से ट्राई करते हैं। अच्छा जी भैया ना आपकी दुकान कितनी पुरानी है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका भैया? अब्दुलरहमान भाई। अच्छा आपके वालिद साहब थे ये कि दादा? दादाजी थे आपके। आपके मतलब सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ जो अंदर से हैं देसी घी में बनाते हैं? ठीक हो गया। ये सामने जो बन रहे हैं वही हैं? कौन कौन से होते हैं? गुड़ वाले, खोए वाले, चीनी, गुड़ खोया और चीनी, तीन होते हैं ये जी। ये है चने की दाल की पिनिया, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये ड्राई फ्रूट वाली है तो कितना किस तरह किलो है ये? 200 रुपये किलो। और ये क्या चीज़ है? कौन सा हलवा? दूध का, सोनल हलवा दूध का, ठीक है ठीक है। अच्छा ये है ताहिर स्वीट्स ये, और ये सारी इनकी शॉप है, ये डिस्प्ले है इनका, और ये बिल्कुल सामने इसके यहाँ पे ये दो दुकानें और ये एक दुकान। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या चीज़ है? ये मिक्स हुआ है इसमें खोया और मैदा मिक्स है सारा कुछ? अच्छा ठीक है, ये पेड़ा निकालना है इसका। अच्छा ओके दिस इज सिंपल, ये तीन सुराख और ये अंदर, यहाँ पे जो खोए वाले बन रहे हैं और यहाँ पे भी बन रहे हैं। ये कौन? गुड़ गुड़ वाले हैं। अच्छा ये अंकल जी बना रहे हैं गुड़ वाले अंदर से। ये तेल लगा दिए ऊपर, ठीक है। तो ये गुड़, ये जो मिक्सर आपने बनाया इसमें गुड़ मिक्स किया होता है? जो ये जो तेल वाले हैं ये गुड़ वाले हैं, और जो बगैर तेल वाले हैं ये चीनी वाले हैं, सही हो गया। दरवाज़ा भैया आपकी शॉप कितनी पुरानी है? 1960 साठ बासठ साल हो गए, सही। तो शुरू से यहीं पे आप? छोटी वाली शॉप थी पहले ये वाली, सही पुरानी शॉप ये है, सही सही। ये इधर से आप यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे कितनी देर हो गई आपको आए हुए? अच्छा अभी रिसेंटली आया यहाँ पे। इसको 7 नंबर कहते हैं?
गुड़ वाले को। और जो चीनी वाला होता है खोए वाला उसको कुछ नहीं कहते, वो चीनी वाला खोए वाला, गुड़ भी वाला भी मिक्स भी, 7 नंबर 12 नंबर सबसे अच्छा तिल वाला, ठीक हो गया। ये स्पेशल खोए वाला गुड़ वाला अंदरसा है इनका, ये देखो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। बिस्मिल्लाह। ओम ओह दिस इज द ओरिजिनल वन, मुझे बता रहा है ओरिजिनल है। इसका जो बाहर की आउटर लेयर है ना, सेम वही टेक्सचर है, सेम वही फील आ रही है, सेम वही टेस्ट आ रही है, पूड़े का होता है, मीठा पूड़ा जैसे बोलते हैं। और अंदर से ये देखो ये नरम है, अंदर से नरम और घी इसमें निचड़ रहा है। ये वो कहते ना जब जो ये जो ये देखो यार ये जो आप कुछ चबाते हैं ना, चबाने के बाद जो घी निचड़ता ना मुँह के अंदर, ओए होए सारे पैसे भाई उसके आया मज़ा। पता क्यों मज़ा आया, मेरे हाथ नहीं धोते ये देखो। वाह यार जबरदस्त कमाल, खोए वाला, खोए वाला अंदर सा यहाँ पे खाने का और मजा है। घर पे जाके खोया चूंकि जम जाएगा, फिर ये जो चीज़ है ना ये चीज़ नहीं रहेगी, ये चीज़ नहीं रहेगी। बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा। मैं किसी भी शॉप से इसको ट्राई कर लेगा, किसी भी स्टॉल से, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर रोड साइड पे इतने स्टॉल लगे हुए अंदरसों के कि मैं किसी से भी ट्राई कर लेता, बट थैंक्स टू हसन भाई ये मुझे ओरिजिनल जगह पर लेके आए हैं, शुक्रिया भैया, बहुत कमाल का यार। लो जी ये सोनल वाइन का ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये देखो तेन कार खान लगता वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, माइल्ड फ्लेवर है और मीठा बहुत मुनासिब है इसका। लेकिन जो भाई खोए वाला अंदर सा खा लिया ना मैंने, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो, सब चीज़ है। यार हमने जो है ना उनके अंदर से खा लिए हैं, खोए वाला बड़ा कमाल था, गुड़ वाला भी कमाल का था, लेकिन खोए वाला बहुत ज़्यादा कमाल का था। और अभी हम जा रहे हैं मौलवी माने के पास मछली खाने के लिए। यहाँ पे जिससे भी पूछा है कि किससे मछली खानी चाहिए, माना 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 करेक्शन, पहले हम फलूदा खाएंगे, फलूदा के बाद मछली खाएंगे, और यूँ फलूदा वाले के पास जाके पहले फलूदा खाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम आ गए हैं अयूब फलूदा कॉर्नर पे, दो दुकानें हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों ये नहीं ये है, ये दोनों एक ही दुकान है मतलब, लेकिन हम जो ऑनर हैं वो इस दुकान में बैठे थे, उनके पास पहले जाके थोड़ा इससे गपशप करते हैं, फिर इनका फलूदा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल है? अच्छा ये क्या चीज़ है, मीठा है? अच्छा ये जो ये चीज़ आपने बनाया हुआ रबड़ी है, इसके अंदर मीठा नहीं होता इतना, ये बगैर मीठे की होती है। और वो सेवियाँ हैं पीछे, तो कितने का पहला मिलता है? 150-200-250। और ये जो कुज्जा है, कुज्जे में फलूदा जाता है? कुज्जा कितने का? 200-250 अच्छा 200 का क्वांटिटी का फ़र्क है ना, और तो कोई चीज़ का फ़र्क नहीं ना है। सानू 200 वाला प्याला कर दो। अच्छा पहले शीरा आ गया, फिर आ गई सेवियाँ, ये आ गई बर्फ, और ये आ गया है रबड़ी। सही हो गया बाजी, रेडी हो गया कमाल बाजी, इन्हीं जी गाल सी। ये 7 लाख से बर्फ है और रबड़ी भी 7 लाख से मिल रही है, और साथ में शीरा भी अलग से मिल रहा है। वाह, फलूदे के अंदर ये ऊपर रबड़ी डाली हुई इन्होंने, नीचे उन्होंने बेस के अंदर जो है ना इसकी बर्फ़ डाली है और ये सेवियाँ डाली हैं, ये देखो ये चीज़ है, ये टोटल फलूदा है जो इन्होंने हमें बना के दिया, और साथ इन्होंने एक्स्ट्रा ये चीज़ें दी है, शीरा साथ में अलग से दे दिया,
अगर किसी को मीठा कम लग रहा है क्योंकि इसमें शीरा इन्होंने डाला है लेकिन थोड़ा है, तो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ये शीरा लें साथ। अगर आपका मीठा ज़्यादा हो गया तो आप फिर से रबड़ी डाल के उसको फिर से फीका कर लें। ऐसे ही ट्राई करेंगे सिंपल बात, क्योंकि मीठा इसमें मुनासिब है। मेरा नहीं ख्याल मीठा और डालने की जरूरत पड़ेगी। इसको ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। गुड, वेरी गुड। वजह क्या बताता हूँ आपको, ये जो रबड़ी है ना बिल्कुल भी मीठी नहीं है, बिल्कुल भी मीठी नहीं है ये। अगर आप इसको बगैर मिक्स किए खाएंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं मुझे इस तरह का लग रहा है क्योंकि बेस में शीरा है। ऊपर ऊपर से खाएं नीचे से हल्का हल्का शीरा हल्का आता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मीठा आता है, ऊपर से नमकीन और फिर सेवियाँ और साथ बर्फ़, वो बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल लगता है। ऑप्टिमम बाइट, ओए होए होए, आई बिलाल ऑप्टिमम बाइट ले रहा। नमकीन, मीठा, खट्टा, सेवियाँ, बर्फ, मिर्चें नहीं है इसमें भाई। नहीं तो खट्टा भी नहीं है और तो नहीं बोला तू। ये जब भी कसूर में आया इसने एक ही चीज़ खाई है, बता देगा या मैं बताऊँ? ये जब भी आया इसने चपेड़े खाए हैं यहाँ पे। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे चपेड़े नहीं पड़े हैं, क्योंकि साकिब साथ था ना। आज मुझे जो भी मारने आया है इसने साफ कह दिया है भाई आज मेरी बारी है। हमने खा लिया है अयूब का कसूरी फरूदा, और फरूदा खाने के बाद अब हम जा रहे हैं मौलवी माने के पास। बन गई होना तो भी बन गई पैन। अभी हम जा रहे हैं मौलवी माने के पास मछली खाने के लिए। मौलवी फिश कॉर्नर, हाजी इब्राहिम अब्दुलरहमान उर्फ माना, ये है हाजी माने की दुकान। ये यहाँ पे इनका सेटअप चल रहा है, यहाँ पे मछली फ्राई हो रही है, यहाँ पे सिटिंग हॉल है इनका। इसके अपोजिट साइड पे, ये अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी इनकी शॉप है। अभी इनसे गपशप करते हैं। ये जुबैर भाई बैठे हुए, ये जी सेटअप है इनका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? जुबैर नाम है ना आपका? आप क्या बता रहे थे, और खज्जल हो गया है? एक रात लाहौर यार नाश्ता सुबह ही होता है यार। अच्छा ये कितना पुराना सेटअप है आपका? ये 50 साल पुराना। ये कौन है अब्दुलरहमान साहब जो है ये बैठे हुए सामने? यार ये तो लग नहीं रहे 50 साल के। नहीं, उनके अब्बा जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। मौलवी फिश कॉर्नर पे है नाम, मौलवी फिश कॉर्नर है वो। अब्दुलरहमान वो कुमाना नाम है ना, तो वो सारे क्या नाम है ऐसे कह। मौलवी आपके दादाजी थे? हाँ, मौलवी आपके दादाजी थे, उनके बेटे अब्दुलरहमान, तो उसके नाम है माना, मौलवी माना मशहूर हो गए। सही सही, सिर्फ रोहू मछली है। अच्छा यार आप एक बात बताएं मुझे, मैं पीछे आया हूँ ताहिर स्वीट से, उन्होंने कहा अगर माने की मछली खानी है तो उसके पानी नहीं पीना वरना मछली अंदर तैरना शुरू हो जाएगी, ये क्या चक्कर है? सही है सही है। अच्छा ये तीन कढ़ाइयाँ आपकी लगी हुई हैं माशाल्लाह, तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं? एक ही चीज़ है तीनों में? तीन कढ़ाइयाँ यहाँ पे हैं, दो कढ़ाइयाँ सामने हैं, और सिर्फ रोहू मछली। जब रश ज़्यादा होता है उधर ले जाते हैं। ठीक है सही है। ये जी माशाल्लाह इनके पास दो कढ़ाइयाँ, तीन कढ़ाइयाँ यहाँ पे हैं। अच्छा ये सारे पीस करके आप बनाते हैं? यहाँ पे साबत मछली का कॉन्सेप्ट नहीं है? ये क्या चीज़ है? अच्छा ऊपर से अलग से मसाला डालते हैं। ठीक है यहाँ पे भाई दुकान का भी रश है, पीछे बाजार का भी रश है। ये छोटे छोटे आप क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा बच्चे आते हैं 10-20 रुपए के। नान तो 15 का हो गया है, दान 15 का है, फिर भी आप 15 के नान में 2-3 पीस रख देते हैं माशाल्लाह। ये अच्छा यार, बच्चे आते हैं अभी भी, आपके आने से पहले आए थे, अभी भी शायद आ जाएंगे। अच्छा ये सेल नहीं करते आप? नहीं मतलब आप कस्टमर को दे देते हैं लेकिन बच्चों को भी दे देते हैं। चलो यार बच्चों, अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों के लिए तो गुड न्यूज़ है भाई, यहाँ पे आके 20 रुपये में एक अनार के साथ 2-3 पीस मिल जाएंगे आपको। ठीक है इंशाल्लाह।
ढीली मछली है थोड़ी। नॉर्मली यहाँ पे ये पुदीने वाला रायता मिलता है, लेकिन उन्होंने हमें साथ में पुदीना, पुदीने की चटनी और दही अलग से दे दिया। अगर अलग अलग से चेक करना चाहें तो अलग अलग से भी चेक कर सकते हैं। अभी भी पहले ये इसकी जो है ना फिश की बैर ट्राई करना चाह रहा हूँ, खाली फिश ट्राई करना चाह रहा हूँ ताकि इसमें फिश का फ्लेवर आ जाए। यार वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज़ है इसके अंदर, ये जो है ना ये बिल्कुल ये जेली की तरह है। ये देखो बिल्कुल ढीली ढीली मछली है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये वो नहीं है, क्रिस्पी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये, मतलब बहुत ज़्यादा जेली जेली सा इसका फ्लेवर है, टेक्सचर है इसका जेली जैसी है, लेकिन टेस्ट बहुत कमाल है यार। जो अंदर तक मसाला लगा हुआ है ना इसका, ऊपर स्किन का और अंदर एक जैसा मसाला है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है बाहर नमक दे रहा है अंदर नमक कम है, बिल्कुल एक जैसा मसाला लगा हुआ है। बहुत आला यार मछली, बहुत आला मछली की मैरिनेशन में ना मेन काम लहसुन का है, और इसमें लहसुन अदरक नमक मसाला इतना कमाल लगा हुआ ना। माना इज द बेस्ट। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ माने की मछली। यहाँ से हम लेंगे मछली, लोजी आ गई मछली, और ये इसको हम लगाएंगे इस रायते के साथ, सिंपल जो जो रायता साथ मिलता है इस रायते के साथ ये लगाएंगे, साथ थोड़ा सा मसाला, जो मसाला है ये इसके ऊपर, ये दिस इज द ऑप्टिमम बाइट ऑफ माना फिश। पुदीने के चटनी ने जो फ्लेवर को इन्हांस किया ना यार, वो बहुत कमाल है, बहुत लेवल की है यार, मतलब कमाल हो गया। ओके जी, कसूर सीरीज का ये ब्लॉग दो एपिसोड दोनों यहाँ पे ख़त्म हुए, तेन बहुत शौक है हमने जानता। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हालांकि हम लोग थक चुके हैं, लेकिन खाना और चीज़ें और फिरना और जो गपशप हो गई है आउटस्टैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। सारा दिन यहाँ रहे हैं, सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और रात के 8 बज चुके हैं, और एक सेकंड के लिए भी फील नहीं हुआ कि हम लोग जो है ना वो फर्स्ट टाइम लंबा टूर कर रहे हैं। मज़ा आप कर रहे हैं लंबा टूर फर्स्ट टाइम, मैं करता रहता हूँ, कट्ठे की बात कर रहा हूँ, कट्ठे हाँ कट्ठे ओके अच्छा सॉरी गुस्सा नहीं करना। अच्छा लो जी, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ये जो मेरे सामने बैठा ना ये देखो ये डॉक्टर, ये भाई कह रहे हैं मैंने आपकी सारी वीडियोज़ में देखता हूँ लेकिन मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि मैं टीवी पे देखता हूँ, LCD पे देखता हूँ। अगर आप LCD पे भी देखते हैं, इंटरनेट टीवी पे भी देखते हैं, गूगल टीवी पे भी देखते हैं, तो आप भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने मोबाइल से कर लो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो देख लेंगे लेकिन आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में जो लोग होंगे, उन तक यूट्यूब वीडियो को रेकमेंड नहीं करेगा। तो इसलिए एल्गोरिथम को हिट करने के लिए इसलिए आपसे अर्ज करता हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से मेरे पास व्यूअर ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे इस कंटेंट को, और आई होप फैमिली कंटेंट है, आप लोगों को पसंद आता है इसलिए आप लोग उस पर कमेंट भी करते हैं, आप उनको शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दिस इज माय इंस्टाग्राम। नो ये क्या था? ओके दिस इज माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें। अगर लाइव जाता हूँ मैं या कोई भी मेरे शहर का टूर करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे जाती है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी कोई बिजनेस क्यूरीज हैं, कुछ भी है, वो सारे का सारा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर लें। आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आपको बात दूँ, बिलाल का ना एक फ़ैन आया था मेरी वीडियो देख के, कहता यार मैं बिलाल का क्लास फैन हूँ, तो बिलाल ने कहा उसका नंबर मुझे दे दो, मैंने उसको नंबर बिलाल का दे दिया, बिलाल को उसका नंबर दिया, बिलाल का नंबर किसी को नहीं दिया मैंने, और बाद में वो उसने बस